के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने आज अंबेडकर चौक पर कुछ गाड़ियों की चेकिंग की, उसके बाद एक फ्लैग मार्च निकाला जो कि पूरे शहर में किया गया। उसके बाद वो अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी पहुंचे, वहां पर कुछ दुकानदारों को उन्होंने सख्त शक्ति दिखाते हुए कहा कि कल से हम किसी भी का भी बहाना नहीं सुनेंगे, कोई भी दुकानदार जो नियम है उनकी अवहेलना करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। आशीष वशिष्ठ ने एक मेम रोड पर किरियाने की दुकान थी उसको भी का लाइसेंस भी रद्द किया गया और उसके साथ एक गाड़ी का भी चालान किया गया। देखो सुनो जी, लॉकडाउन चल रहा है जी, रिलैक्सेशन हमने आपको दिया ठीक है जी, वो इन कंडीशंस पे दिया था कि जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए ठीक है जी, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं दिया ठीक है सर, कि देखो आप लोगों की भी जरूरतें, आप लोगों का भी सामान वो भी सेल होता चला जाए और लोगों की जो जरूरतें हैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स की वो पूरी हो जाए ठीक है सर, पर आप लोग अब उसका मिसयूज करने लग गए, ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं सर, नहीं सुनो, आप सुन लो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप है ना जो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करने ठीक है जी, वो आपको मेंटेन करनी है, आज मैं सिर्फ आगाह करने आया हूँ, कल से कार्रवाई शुरू कर रहे हैं जी, कभी कल ये कहोगे जी पहले बताया नहीं और आप लोगों ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी, लाइसेंस कैंसिल करेंगे जी, मामले दर्ज करेंगे, क्योंकि देखो सेंसिटिव जोन में आ चुका है अपना सोनीपत, हम कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं, पिछले 27-28-30 दिन की जो मेहनत है ना इन बिचारों की तरफ भी देखो, सुबह 24 घंटे की ड्यूटी दे देंगे, 24 घंटे की है, अब ये पर बात दो राउंड मार गया, इनकी फैमिली नहीं है यहाँ पे, नहीं एसएचओ साहब ये सारे हम लोग खड़े हैं। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, करने के लिए बार बार कह चुके हैं हम, फिर देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दुर्भाग्य की बात है कि वो घूमने के लिए निकल आते हैं शाम को और घूमते हैं ग्रुप बना के, तो इसी के लिए हम इनको आगाह करने आए हैं कि हमें मजबूर मत करिएगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, फिर से अगर कोई रिपीट होती है और आप लोग घूमोगे ग्रुप में और दुकानें अगर अननेसेसरी खोलोगे जो एसेंशियल कमोडिटीज की जो अलाउड है उनके अलावा, तो हम कार्रवाई करेंगे। सर जिस तरह से लगातार सोनीपत के मामले, सोनीपत में मामले बढ़ रहे हैं, कार्रवाई के भी आदेश दिए लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार मान नहीं रहे, तो आगे क्या रहे? यही समझाने के लिए आए हैं, लगातार एसएचओ साहब फील्ड में हमारे हर दिन में 10 बार गश्त करते हैं, समझाते हैं, पर अब हम सख्ताई करेंगे इसमें, और अगर इस तरह से दुकानें खुलती हैं अननेसेसरी उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे और इसके अलावा अगर एफआईआर भी लॉन्च करनी पड़ी तो एफआईआर भी शाम को दर्ज करेंगे उसमें। हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्या है कि जो शाम को रात को जो दुकानें खुलती हैं अर्ली मॉर्निंग, उसी के लिए हम ये समझाने के लिए आए हैं। सर फिर भी नहीं मानते तो सख्त कार्रवाई होगी इसमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अगर इस महामारी से हमें लड़ना है बचाना है तो हमें इनके सहयोग की अपेक्षा है, जो अब ये शाम को घूमने लग गए हैं इसके अलावा दुकानें खोलने लग गए हैं, तो अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।